और शांत मन हो। आज मैं सहमाई तस्वीर से आपको नसीर अहमद नासिर साहब की मजमून सब नीला है कि चंद सतरे बोलकर सुनाऊँ। तस्वीर जो है वो पाकिस्तान में शाये होने वाले चंद अदबी शुमारों में से एक अच्छा शुमार है। नसीर अहमद नासिर साहब ने इदारिये में अपना मजमून सब नीला है के बारे में हमको अंग्रेजी लफ्ज ब्लू के बारे में बहुत अच्छी इस्तलाहत बताई है। अंग्रेजी लफ्ज ब्लू यानी नीला बड़ा दिलचस्प है, इससे बेशुमार इस्तलाहत और मुहावरे बने हुए जिनमें वन से ना ब्लू मून यानी शाजो नादिर गाहे माहे और आउट ऑफ द ब्लू यानी गैर कतई मुतवक्का नागहानी और आउट ऑफ द ब्लू यानी कतई गैर मुतवक्का नागहानी अनहोनी ज़्यादा मशहूर है। एक ही माह में दो बार पूरा चांद फुल मून हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। मईशत कानून और समाजियात की कितनी ही इस्तलाहत हैं जो लफ्ज़ ब्लू की मजमू में नत हैं। बाजार हिस्स में माली तौर पर मुस्तहकम और आला इंतज़ाम वाली बड़ी कंपनियों की हिस्स शेयर्स को ब्लू चिप्स कहा जाता है। नीला पनीर ब्लू चीज़ जो गाय के दूध से बनता है और बहुत आला समझा जाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में लागू काले और सख्त कवानीन को ब्लू लॉस कहते हैं। किसी अदालत की मुंतखब जूरी को ब्लू रिबन जूरी कहते हैं जो माहिर कानूनदानों पर मुश्तमिल होती है। मुख्तलिफ मुल्कों में लागू काले और सख्त कवानीन को ब्लू लॉस कहते हैं। आली नस्बी ख़ानदानी अशराफ और तबका उमरा के रुकन के लिए ब्लू ब्लड और नजीबुल तरफैन यानी जो माँ और बाप दोनों की तरफ से अशरफ और सही नसब हो उसके लिए ब्लू ब्लड की सलाह राइज है। नीला फीता ब्लू रिबन आला तरीन एजाज कहलाता है। पैदाइशी तौर पर बीमार बच्चा जिसे दिल और फेफड़े की बीमारी हो उसे ब्लू बेबी कहते हैं। मौसीकी में एक नीला सुर ब्लू नोट होता है, ये तीसरा और पाँचवा गा और पा का मदम सुर होता है। अमेरिकी जाज और ब्लू मौसीकी में इसका किरदार बड़ा नुमाया होता है। ज़हनी परेशानी का एक आर्जा भी ब्लूज कहलाता है। इसी तरह गाने और नाचने के अंदाज को भी ब्लूज कहते हैं जिसे गम भरे गीतों और मदम सुरों से अखज़ किया गया हो। तारों का वो झुरमट जो असल कहकशानी निज़ाम से बाहर तरतीब पाता है और ज़रा कम पुख्ता होता है इसे ब्लू गैलेक्सी कहते हैं। अंग्रेजी में लफ्ज़ ब्लू का इजमाली जायजा है, तहकीक करने पर कई और इस्तलाहत मिल सकती हैं। उर्दू में लफ्ज़ नीला या नीला वसी माने तो है लेकिन इतना वसी इस्तलाह नहीं जितना अंग्रेजी में है। नीले की नस्बत से लगत से लिए गए उर्दू के चंद अल्फाज इस्तलाहतें और मुहावरे पेश हैं। नील बड़ी नील बिगड़ना नील पड़ जाना नील जलाना नील ढलना नील का टीका नील का माट बिगड़ना नील कट नील कंठी नील की सहाइयाँ आँखों में पहनना नील की कोठी नील गाँव या नील गाय नील गढ़ नील घूम नील घोटना नीला पड़ जाना नीला पीला होना नीला डोरा बांधना नीला कर देना नील गोदना नीला नीलाहट नीलम नीलम परी नीलोफर नीली नीली बार नीली घोड़ी नीली छतरी वाला नीली पीली आंखें करना वगैरह वगैरह। ये तहरीर लफ्ज़ नीले या नीले के बारे में तहकीक की खामवाराई नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों की दिलचस्पी के लिए सुनाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू।